असलकुम डियर स्टूडेंट, आज हम जो है नी हाइट लेंगे फॉर द नॉन एम्बुलेटरी इंडिविजुअल्स। तो नॉन एम्बुलेटरी इंडिविजुअल्स वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि चल नहीं सकते ड्यू टू सम रीज़न, या तो कोई फालिज वगैरह स्ट्रोक वगैरह हुआ हुआ होता है, या उनका पीछे जो स्पाइनल कन्वेचर है वो ख़राब होता है जिसकी वजह से, या उनको पैरालिसिस हुआ हुआ होता है। तो हम उनमें उनकी जोन से है नी हाइट लेते हैं, नी से लेकर जोन से है फुट तक, ये वाली हम उसको हाइट करते हैं। तो इसके लिए हम ब्लेड्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो इसमें पेशेंट विल बी इन द सुपाइन पोजीशन होना चाहिए, जैसे ये सुपाइन पोजीशन है, डेट इज़ सुपाइन। सुपाइन एक फ्लिक स्पाइन, और नी उसके बेंड होने चाहिए एट द राइट एंगल। ठीक है, ये देखें, ये एक राइट एंगल बन रहे हैं, इस भी इसके बिल्कुल बेंड है। और उसका जोन सा है फुट भी जोन सा है ज़मीन पे लगा होना चाहिए एट द राइट एंगल, बिल्कुल फुट लग, ये देखें, ये भी राइट एंगल बना रहे हैं। और हम यहाँ ब्लेड भी इसके नीचे एट द राइट एंगल लगाते हैं, जो कि एडजस्टेबल मूवेबल भी होता है, फिक्स भी होता है। हम ज़्यादातर इसमें लेग लेग यूज़ करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूँ कि हमारी लेग्स में कंपोनेंट क्या होते हैं। ये हमारे लेग में ये नी होता है, ठीक है, हमारे इसके अंदर दो बोन्स होती हैं नीचे लेग के अंदर, एक टीबिया होती है, ठीक है, और एक फेबुला होती है। तो यहाँ जोन से है ये फुट स्टार्ट हो जाता है। फुट पे आपने देखा होगा एक उभार होता है छोटा सा, जिसे मीडियल मेलिनोस कहते हैं, ठीक है। तो आगे आपको ये समझ आएगा कि मीडियल मेलिनोस में क्यों समझा रहा हूँ। तो हम इसमें मेजरमेंट लेते हैं कि क्लाइंट को इन सुपाइन पोजीशन, जैसे मैंने आपको बताया था, तो वो जिस स्लाइडिंग कैलिबर होता है उसको हम एडजस्ट करते हैं फ्रॉम द नी टू द फुट एट द राइट एंगल, और उसको फिक्स कर दिया जाता है अंडर द हील टो। ये जो हमारी हील टो होती है इसके अंदर फिक्स कर दिया जाता है। और ओवर द लेफ्ट, हम जरूरी तौर पे लेफ्ट लेग यूज़ करते हैं, तो लेफ्ट थाई की जो इंटीरियर सरफेस है, ये लेफ्ट थाई की इंटीरियर सरफेस है सारी की सारी, ठीक है। इसके बाद हम जोन से है कैलिपर को फेबुला, जोन से है फेबुला और लेटर मेडुलस के पास लेकर आते हैं, जो कैलिपर हमारा होता है, और अप्लाई जेंटल प्रेशर करते हैं ब्लेड्स पर और टिश्यू पर, ठीक है। उसके बाद वो लॉक हो जाता है और हम पे नी टू जोन से फुट तक उसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। तकरीबन मेजरमेंट दो मेजरमेंट हम यूज़ करते हैं, ताकि दो हम मेजरमेंट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि एरर ऑफ चांस कम हो। उसके बाद हम उसका मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेजरमेंट्स हैं, इसके लिए एक फार्मूला भी यूज़ होता है, तो आप इनमें से एक कोई भी फार्मूला ले सकते हैं। तो ये नी हाइट के लिए, तो ये एक फार्मूला है जिसमें हाइट है जो कि इन सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ये लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हाइट हर कुछ मीटर्स में कुछ है, तो हम एक स्टैंडर्ड फार्मूला करते हैं। तो 2.80, 2.08 एंड नी हाइट एंड +59 एंड 01, तो इससे हमें तो एक हाइट आ जाएगी। तो आप इसमें से कोई भी यूज़ कर लें तो यू कैन अंडरस्टैंड इट। आई होप यू गेट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स।